अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब इस शतरंज की चाल में नया मॉडल आना होगा, जिसकी वजह से सुमन पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी और उसके रास्ते का सिर्फ और सिर्फ एक मैं सहारा बनूंगा। तुम? भैया मैं आपको ही ढूंढने निकली थी, पर ऐसा लगा जैसे वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था आरती। आरती मेरी बात सुनो, कुछ भी करो लेकिन सुमन को संभाल लो प्लीज। उसने तब से लेकर अब तक पानी का एक बूंद तक नहीं पिया है, उसे कुछ हो गया तो। अंशुमन भैया, आपने नंदन के लिए अपनी और सुमन की गृहस्थी दांव पर लगा दी। आप ठीक कर रहे हैं ना भैया? और वो बच्चा नंदन का ही है ना? हाँ हाँ, लेकिन वो इस बात को कबूल नहीं करेगा। लेकिन इसमें उस बच्चे का क्या दोष है? वो बच्चा इस घर का है, अब किसी ना किसी को तो उसकी जिम्मेदारी लेनी थी ना। पर भैया ये गलत है, ये सरासर गलत है भैया। देखो आरती, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन हाँ इस बात से सुमन और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। जो वचन मैंने दिया है मैं उसे किसी भी कीमत पर निभाऊंगा। राम जी ने अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया, पर अपनी सीता को नहीं छोड़ा था। और अंशुमन भाई, आपने तो अपनी सीता को ही छोड़ दिया। ये गलत है, ये ठीक नहीं अंशुमन भाई। मैंने सुमन का साथ नहीं छोड़ा था। बस ये समझ लो कि बहुत कठिन परीक्षा से गुजर रहा हूं। देखो मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बस सुमन का ध्यान रखना प्लीज मेरे लिए। भैया आपको पता है, आप एक जिंदगी बचाने के चक्कर में दो जिंदगियां तबाह कर रहे। काश मेरे पास कोई और रास्ता होता आरती। हम जानते हैं अंशुमन जी, आप नंदन की तरह इस बच्चे को अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन दुख तो बस इस बात का है कि घर में हर कोई सिर्फ आपको गलत समझ रहा है, कोई नहीं जानता कि सच क्या है। लेकिन हमारा विश्वास रखिएगा, क्योंकि हमें आप पर विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। हमारे अंशुमन जी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, और अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, जो जिम्मेदारी मैंने उठाई है मैं उसे मुंह नहीं मोड़ मारती। जाओ आरती, सुमन को समझाओ। एक ऐसा इंसान जिसका सच दुनिया जान रही है, उसके घर वाले जान रहे हैं, ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाना बंद करें और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के बारे में सोचें। नहीं अंशुमन जी, हमारा नाम तो आप में बसता है, हमारी शुरुआत भी आप है और अंत भी। तुम्हारी शुरुआत और तुम्हारा अंत सिर्फ मुझ पर है सुमन, सिर्फ मुझ पर। नंदन बाबू,
आप कौन से मौर्य की बात कर रहे थे? इस मौर्य का हमें सही इस्तेमाल करना होगा मौनी, मुझे भी और तुम्हें भी। अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हुआ तो वो खुद सुमन का हाथ मेरे हाथ में देंगे और सुमन उनके बात को टाल भी नहीं सकती। उसके बाद बिप्पी तुम्हारी और सुमन मेरी। आनंदन बोलो। जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। आज अंशुमन जी के कमरे से हमारा सामान निकाल दिया गया, लेकिन हम जानते हैं हमारे अंशुमन जी को वो हमें अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाएंगे। सुरभि मां, पापा, हम सोच रहे थे कि हम यही गेस्ट रूम में रह लेंगे। गेस्ट रूम में क्यों बेटा? तुम इस घर की बेटी हो, मेहमान नहीं। बेटा सुमन, तुम रहोगी सुरभि माँ के साथ हमारे कमरे में और मैं रहूंगा नंदन के साथ कुछ दिनों के लिए। चिंता मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या, कब और कैसे? और सुमन, आप देख लीजिए। तुम्हारे साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा है बेटा। उस बात के लिए अब तुमसे जितनी भी माफी मांगू उतना कम है। अपनी सुरभि माँ को माफ कर दो, हम अपना वादा नहीं रख पाए। सुरभि माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारी सुरभि माँ अपनी सुमन को सपने में भी परेशान नहीं देख सकती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारा दिल कह रहा है और वो कहते हैं ना, दिल कभी झूठी गवाही नहीं देता। हमें तुम पे गर्व है बेटा, तुमने इस परिस्थिति को कितनी हिम्मत और अच्छी सोच से संभाल रखा है। हिम्मत बनाए रखना, हिम्मत रखने वाले का साथ खाना तो क्या भगवान भी देता है। सुरभि माँ, अब भगवान जी को तो हमारा साथ देना ही पड़ेगा ना, ये सारी परिस्थिति उन्होंने ही तो रची है। हम जानते हैं कि हमारे अंशुमन जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। वैसे भी देखिए ना, कितना अच्छा दिन आ रहा है, कल अक्षय तृतीया है और हमें विश्वास है अपने अंशुमन जी पर कि वो अक्षय तृतीया की खुशियां हमारे साथ ही मनाएंगे। कामना जी कर ऐसा ही हो। सुरभि माँ, ऐसा ही होगा, शायद यही से शुभ दिन की शुरुआत हो जाए। इस मोरे को मैंने सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी इस घर में घट रहा है वो सब कुछ वो सुमन के भाई हैं। या अब आएगा खेल में असली मजा। अच्छा लगा हमें ये देखकर कि आपको हमारी चिंता है, चुप कर ही सही, आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं।
यहाँ नहीं रुकना चाहिए था सुमन। कभी कभी शर्ट के इस अनचाहे धागे की तरह रिश्तों की बनावट में भी भारी धागा आकर रिश्तों की बनावट खराब करना चाहता है, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम शर्ट को हटाने के बजाय हम इस धागे को ही हटा दें। और फिर अगर हम चले जाते तो कल आपके लिए पूरन पोली कौन बनाता? अपना ख्याल रखना। हम इस साड़ी में अच्छे लग रहे हैं अंशुमन जी। हाँ। हमें पता है कि साड़ी हम पर अच्छी लगेगी, क्योंकि ये साड़ी आपको बहुत पसंद है और इसलिए ये हमारी फेवरेट है। सुमन, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। तुमने देखा ना बड़ी माँ तुमसे कैसे बात करती। आप जानते हैं अंशुमन जी, लोग कहते हैं एक ससुराल में एक लड़की के साथ उसके पति उसको कैसे मान दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप तो हमेशा अपनी सुमन को अपने दिल में रखते हैं, और फिर लोग हमसे कैसे बात करते हैं कैसे नहीं वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। उनके दिल में जगह बनाने के लिए हमें लड़ना होगा, और अंशुमन जी हमें दिल में जगह बनाना आता है। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो है? जगह जगह बड़के बुआ का तस्वीर कहाँ लगा रही हो तुम? वो इसलिए बड़ी माँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी नजर जहाँ भी पड़े ना हमें उन्हीं का चेहरा नजर आए। तो हम चाहते हैं कि आपका पोता अंशुमन जी जैसा दिखे। हम जानते हैं अमोली, तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि हमें बुरा महसूस हो, लेकिन हम इन बातों से कमजोर नहीं पड़ने वाले। वाह, कहाँ जा रहे हैं बिग्बी? कहीं आप अपने नए प्यार, कहीं आप अपने होने वाले बच्चे की माँ अमोली को तो ढूंढ नहीं रहे? वो वहाँ अपनी सीमा में रहना था। सीमा, सॉरी बिग बी, सॉरी, बुरा लग रहा है ना आपको? बुरा लग रहा है, लेकिन क्या? हाँ कहिए ना प्लीज। नंदन, अंशुमन, क्या हो गया है तुम दोनों को? अरे कम से कम आज के दिन तो मत झगड़ो। इतना शुभ दिन है, घर में पूजा है, और भी लोग हैं घर में, और हम नहीं चाहते तुम दोनों के इस बर्ताव से सबका दिन खराब हो जाए। सॉरी मां, मैं भी नहीं करना चाहता ये सब, लेकिन क्या कहें। तुमको क्या हो गया बेटा? तुम क्यों सुमन का दिल तोड़कर उसे कमजोर बना रहे हो? बेटा ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। जानते हो, इंसान अपने प्यार को चुनता है, लेकिन सौभाग्यशाली वही होता है जिसको उसका प्यार चुनता है। सुमन ने तुम्हें चुना है, सुमन के प्यार ने तुम्हें चुना है। बेटा उसका दिल भर दो,
सुमन का प्यार मेरी जिंदगी है, लेकिन आज फर्ज ने प्यार से मुंह मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सब देख लिया ना आपने आरती दी? हाँ। ये सब किसके लिए कर रही हो सुमन? उस आदमी के लिए जिसने अमोली को इस हाल में ला दिया है? सुमन, तुम्हारा कुछ आत्मसम्मान बचा है या तुम्हारे यहाँ अंशुमन बाबू के रिश्ते की तरह खत्म हो चुका है? बंद करो ये सब, पराया कर दिया इस घर ने तुमको। मामी, ना हमारा आत्मसम्मान खत्म हुआ है और ना इस घर से और अंशुमन जी से हमारा रिश्ता। ये सब बोल के तुम हमारा मुंह तो बंद कर सकती हो, बाकी समाज जो कहेगा उसका क्या करोगी? जो जांच रिपोर्ट आया है उसको झुठला सकती हो? मामी, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? इस घर से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, यह हमारा ससुराल भी है और मायका भी। इस घर ने हमें पराया कहाँ किया है? और जहां तक रही दुनिया की बात, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, रिपोर्ट्स कुछ भी बताए, लेकिन हम जानते हैं ये सब झूठ है और हम जल्द ही सच साबित करके रहेंगे। अब कौन सा सच साबित करना है तुमको? हा? अंशुमन बुआ तो खुद ही मान गए हैं सब। हमने आप सबसे कितनी बार कहा बड़ी माँ, अगर भगवान जी खुद भी हमारे सामने आकर कहेंगे कि ये सब अंशुमन जी ने किया है, तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें अपने अंशुमन जी पर विश्वास है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सुमन कितनी सही है, उसका विश्वास कितना सच्चा है। सही में ना कोई बच्चा है और ना ही बिग्बी ने ऐसा कुछ किया है। काश सुमन जितना भरोसा तुम बिग्बी पर करती हो, मुझ पर भी कर पाती। बड़के बउवा के साथ कोई भी पूजा करने का हक तुम खो चुकी हो अब, और इस बात पे कोई मनमानी चलेगा नहीं। मुझे अब इस तरह का हर पूजा बड़के बउवा के साथ अमोली करेगी। अमोले जी। बड़ी माँ, अपना जिम्मेदारी संभालो, बड़के बउवा के साथ पूजा तुम करोगी। इस घर में कौन पूजा करेगा कौन नहीं, इस बार का फैसला हम करेंगे और कोई नहीं। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? सुमन से उसके पत्नी होने का हक तो आप छीन चुकी हैं, क्या इस घर की बहू होने का हक भी छीन लेंगी? अरे तो क्या गलत कह रहे हैं हम, बोलो। अरे एक बहू का फर्ज क्या होता है? परिवार को वारिस देना। अब जब वो काम भी अमोली ही कर रही है तो वही हुई ना सही माने में घर का बहू। और एक बेटे का कोई फर्ज नहीं होता दीदी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जिसके साथ उसने सात फेरे लिए, उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। अरे तो घर में रहने दिए हैं, इका कम है। अमोली जाओ संभालो जिम्मेदारी, जाओ पूजा करो। अभी मेहरबानी करके आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसे उठाने के बाद आपको पछताना पड़े। देवर जी, आप तो बस रहने दीजिए, ये जो बच्चों ने गलतियां की है ना, उसका दाग धोने का प्रयास कर रहे हैं हम केवल, हमको पछतावा काहे का? फिर भी दीदी, पूजा तो सुमन ही करेगी अंशुमन के साथ, क्योंकि अमोली और अंशुमन की शादी नहीं हुई। सुमन और अंशुमन की शादी पूरे समाज के सामने पूरी विधि विधान के साथ हुई, तो पूजा तो सुमन ही करेगी अंशुमन के साथ। बिल्कुल नहीं, पूजा का हक उसी को मिलेगा जो परिवार को पढ़ाए, वंश को वारिस दे। माफ कीजिएगा बड़ी माँ, लेकिन पत्नी से पति का हक एक पति के अलावा और कोई नहीं छीन सकता। लाइए। अरे बड़ी माँ प्लीज। देखो तुम ज्यादा कर रही हो। बड़ी माँ
तुम्हारा इतना हिम्मत हमारा हाथ रोको तुम दीदी